गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लेसन्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने नीम प्लांट के बारे में बताऊंगी। ये मेरा नीम प्लांट है, इसे मैंने एक छोटे से पॉट में लगा रखा है। फ्रेंड्स, ये जो नीम प्लांट है ये 5 to 6 ईयर ओल्ड प्लांट है, इसे मैंने सीड से लगाया था। जो नीम प्लांट होता है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, इसे बहुत ज्यादा समर बहुत अच्छी लगती है। ये समर में अच्छे से ग्रो करता है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम नीम का जो प्लांट है वो अपने घर में क्यों लगाएं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें जो नीम का प्लांट है वो क्यों लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसकी जो फ्लावर्स है, इसके जो फ्रूट्स है, इसकी जो लीव्स है, इसकी जो ब्रांचेस है, सारी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। जो नीम की लीव्स है उसे हम क्रश करके अपनी जो स्किन पे ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, जो एक्ने पिंपल्स हो रखे हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसकी जो ब्रांचेस है उससे भी काफी सारे बेनिफिट्स है, वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होती है। तो इसे हम अपने क्लोथ्स, इसकी जो ड्राइड लीव्स है उसे हम अपने क्लोथ्स के साथ या अपने जो भी पुराना आइटम है जिसमें बहुत सारी जो सिल्वर फिशेज है वो हो रही है, तो आप इसे अपने उन सब चीजों में डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी जो सॉफ्ट ब्रांचेस है उसे आप च्यू करके जो भी आपके जो डेंटल प्रॉब्लम्स है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। और जो इसकी लीव्स है उसे हम क्रश करके स्पेशली जो अपने प्लांट्स है उस पर डाइल्यूट फॉर्म में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे दूसरे प्लांट्स हैं उन पे जो फंगल अटैक हो रहा है या फिर जो थिक्स और माइट्स का अटैक हो रहा है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो मानती हूँ कि हम सबके घर पे एक छोटा सा नीम प्लांट होना ही चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस नीम प्लांट को कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये जो नीम प्लांट है इसे हम लोग दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग से हम इसे ग्रो कर सकते हैं और सीड से इसे हम ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसे कटिंग से लगाते हैं तो हमें एक मैच्योर प्लांट मिलता है जिस पर फ्रूटिंग भी होती है, फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन अगर हम इसे सीड से ग्रो करते हैं तो हमें एक हेल्दी प्लांट मिलता है, एक काफी ज्यादा रेजिस्टेंट प्लांट मिलता है जिसका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो कटिंग से की बजाय इसे सीड से ग्रो करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, और ये जो प्लांट है इसे भी मैंने सीड ही ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसकी एक लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है। ये जो प्लांट है वो मार्च और फेब के टाइम पे अपनी जो न्यू ग्रोथ है वो स्टार्ट कर देता है, और इस पूरे समर की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर आना शुरू हो जाता है, इसकी जो सारी लीव्स है वो ब्लू है ना, बहुत ज्यादा डल दिखने लगती है, बहुत ही येलो कलर की हो जाती है, और जनवरी तक तो इसकी सारी जो लीव्स है वो फॉल होकर गिर जाती है और जो प्लांट है वो एक डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हुआ है कि आपके प्लांट को किसी तरह का कोई बैक्टीरियल अटैक हो चुका है या फिर इसकी लीव खराब हो रही है, क्योंकि इसमें कोई प्लांट जो है वो खराब हो रहा है या फिर इसमें कोई इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं लगभग वो जनवरी में डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, उनकी जो लीव्स है वो गिर जाती है और उनकी जो लाइफ साइकिल है थोड़े टाइम के लिए वहां पे अरेस्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो फेब का टाइम होता है उसमें ये अपनी जो ग्रोथ है दोबारा से स्टार्ट करना शुरू करता है, और मार्च में इसमें काफी अच्छे से न्यू लीव्स आना शुरू हो जाती है। तो जो फेब मार्च का टाइम होता है वो इसके लिए जो खाद देने का जो टाइम होता है या इसको फर्टिलाइज करने का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम पीरियड होता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसी जो फर्टिलाइजर्स है वो यूज करने चाहिए, जैसे एनपीके है, केमिकल फर्टिलाइजर, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में जैसे वर्मी कम्पोस्ट है, काउडंग कम्पोस्ट है, जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा होता है, तो वो हमें यूज करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसे फर्टिलाइज करने के लिए मैं अभी पोटेशियम का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि पोटेशियम का यूज तब किया जाता है जब हमारे प्लांट में फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होनी होती है। लेकिन मेरा जो प्लांट है उसमें अभी तक कोई फ्रूटिंग कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, ये अभी भी एक वेजिटेटिव ग्रोथ में ही है। तो इसीलिए मैं इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ज्यादा देती हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इसे लगाते कैसे हैं? फ्रेंड्स, ये जो है वो सीड्स है इस नीम ट्री के, इसे हम निम्बोली बोलते हैं, और ये आप देख पा रहे हैं कि ये लाइट ग्रीन कलर के हैं। आप इसमें येलो सीड्स भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो सीड है वो इस तरह से फ्रेश होने चाहिए, उनमें कोई भी रिंकल या फिर वो बहुत ज्यादा पुराने सीड नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस तरह के सीड ग्रो नहीं करते। फ्रेंड्स, जो ये निम्बोली है वो बहुत ही कम टाइम के लिए वायबल होती है, इसके जो सीड्स होते हैं उनकी वायबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो अगर आप इसे पेड़ से तोड़ रहे हैं तो आपको इन सीड्स को एक या दो दिन में ही ग्रो करना होता है, अदरवाइज क्या होता है कि
जो सीड है वो बेकार हो जाते हैं। हम निम्बोली के सीड्स को इस तरह से सेव करके नहीं रख सकते कि नेक्स्ट सीजन में हम इसे ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स, जो कड़ी पत्ता के लीव्स, मतलब जो कड़ी पत्ता के सीड होते हैं, जिसे हम राजस्थानी लैंग्वेज में मीठे नीम के सीड्स कहते हैं, उनकी भी कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टीज होती है। वो भी अगर आप उसे पेड़ से तोड़ने के बाद एक या दो दिन में नहीं ग्रो करते हैं तो वो सीड्स भी खराब हो जाते हैं। आप इनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हो कि अच्छा ठीक है, हमने किसी एंटीफंगल पाउडर में या किसी राख में डालकर उन्हें सेव करके रख दिया है कि नेक्स्ट सीजन में हम ग्रो करेंगे। तो नीम के जो सीड्स होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इन सीड्स को लगाना कैसे है। फ्रेंड्स, ये एक निम्बोली का सीड है। आप इसमें मुझे लाइट येलो कलर का सीड नहीं मिला, इसलिए मैं ग्रीन कलर का सीड ले रही हूँ। बट आप इस तरह का लाइट ग्रीन या फिर जो थोड़ा येलो शेड में सीड होते हैं आप वो ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस तरह का एक गड्ढा करना है छोटा सा, ज्यादा इसे डीप डालना नहीं है, और थोड़ा सा डीप डाल के आप इसे इस तरह से मिट्टी से ढक सकते हैं और थोड़ा सा प्रेस करने के बाद इसे थोड़ा पानी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा ऊपर से इस पे पानी नहीं डालना है, इसे आपको थोड़ा हल्का हल्का पानी देना है। मैं इस तरह की जो स्प्रे बॉटल है उसका यूज कर रही हूँ ताकि जो सीड है वो ज्यादा खराब ना हो। अगर आप छोटे के सीड लगाते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि आप उसे इसी तरह से स्प्रे करके पानी दें, बहुत ज्यादा उसके ऊपर पानी नहीं डालना है, वरना जो सीड है वो अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छा और एक और बेनिफिट बताती हूँ इस प्लांट का। आप कुछ लीव्स क्रश करके इस तरह का कोई भी पानी बना सकते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 जो लीफ है उसको क्रश कर दिया है। आप इसे और ज्यादा पानी के साथ डाइल्यूट करके इसे दूसरे प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इस तरह की स्प्रे बॉटल में, इस तरह की जो स्प्रे बॉटल होती है फ्रेंड्स, आप उसमें डालकर उसे दूसरे पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इससे नीम ऑयल भी बना सकते हैं। आपको क्या करना होता है कि एक कोकोनट का ऑयल गरम करना होता है, उसमें कुछ जो नीम की लीव्स है तो उसे डाल देकर उसे उबालना होता है। उससे क्या होता है कि आपके पास नीम ऑयल भी आ जाता है। तो मैं इसी तरह से घर पे कई बार नीम ऑयल बना चुकी हूँ, तो आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो एक नॉर्मल बॉटल का कैप होता है उस पर काफ़ी सारे होल्स बना के रखे हुए हैं। आप भी इस तरह से होल्स बनाकर किसी भी बॉटल के कैप पे पानी भर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको स्प्रे बॉटल मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ ज़रूर ज़रूर प्रेस करें।